हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्ती में होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो एक मजे की वीडियो आज हम जो है करने वाले हैं। अगर किसी को मज़ा नहीं आ रहा अपनी लाइफ में या फिर वो अभी मज़े नहीं कर रहा, तो ये वीडियो देख के शायद उसको अपनी लाइफ अच्छी लगने लगे, क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है। पूछिए क्यों। चलो मैं ही बताता हूँ इसमें। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे एक बात बताओ, एक सॉन्ग में नॉर्मली कितने सिंगर्स होते हैं? एक, दो, हद से ज़्यादा तीन। तीन से ज़्यादा तो रेयर होते हैं। चलो मैं अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो बात करूँ, तो पांच छह सिंगर्स एक ही सॉन्ग में बहुत रेयर होता है। पर चलो मान लेते हैं ये भी है पॉसिबल। पर ये जो वीडियो जिसमें मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं रिएक्शन अपना देने जा रहा हूँ, उसमें 32 सिंगर्स हैं और सभी त्रिपुरा के सिंगर्स हैं। और इस वीडियो का नाम है थनसनी खोरांग और ये एक पेट्रियाटिक सॉन्ग है। और इसमें सभी जो त्रिपुरा के सिंगर्स हैं, तो आई थिंक ये त्रिपुरा स्टेट के लिए कुछ शायद होगा। एक मिनट, ये जो वीडियो आई थी वो 19 अगस्त को आई थी और त्रिपुरा डे उसके आसपास ही आता है, आई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद। तो आई थिंक ये शायद ये वीडियो शायद त्रिपुरा डे के आसपास या फिर त्रिपुरा डे पे ही आई थी। मुझे डेट याद नहीं है कि त्रिपुरा डे कौन से डे को, मतलब कौन सी डेट को होता है, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और ये ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाएगी गौतम देवबर्मा यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम ही गौतम देवबर्मा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो 32 सिंगर्स कौन से हैं, तो वो तो हमें वीडियो देख के ही मालूम पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बस एक लाइन है इसमें लिखी हुई, हम्बाय हानी दोफानी ब्रकोनो खोरांग यक्षमणि बगवी। ओके, तो यही सिर्फ है लिखा हुआ और तो कुछ नहीं है। चलिए अब बाकी हम देखते हैं क्या है वीडियो, उसके बाद हम अपनी बातें करेंगे और फिर तो मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से सिंगर्स हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको टाइम से पहुँचाते रहे। नो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो भी थोड़ी सी लंबी है, 10 मिनट की वीडियो है। लेट्स स्टार्ट इट। 1 2 3 पेट्रियोटिक कॉकबोरक म्यूजिक वीडियो एल्बम प्रेजेंटेड बाय 32 सिंगर्स। थनसनी खोरांग, लिरिक्स गौतम देवर्मा, उषा देवर्मा। ओके, लिरिक्स उनके हैं, कंपोजर भी गौतम देवर्मा है, म्यूजिक मिल्टन देवर्मा। आए ट्रैवल वॉक, एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी, इसमें त्रिपुरा का जो ट्राइबल कल्चर है वो अच्छे से आई थिंक दिखाया हुआ। यार ये जगह कैसी है, ओवल सी। गांव की मंडी, ये क्या बन रहा, कपड़ा बन रहा है।
निधि भूख खा बक्षा उन्नाय धन बक्षा खे मना नो चंग शौक मर नैना समय तंग दी हम चंग तई दी थन सहे ननी तल तुलन थन नै दोखो नो चिनी पाई थाक निशीनी मुँ माने मा
khe Di ta ku phai di bu ku kha bak sang na, phan bak sa ke mu nak no cheng shop ko mor lai na. Su mai tang de hom sang ti di than cha him nani. Lam ke ta lo tu lang thang nai do phu no chi ni. Sunny Koran. Okay, तो singers इसमें हैं गौतम देवर्मा, उषा देवर्मा, मना देवी जमातिया, विश्वनाथ देवर्मा, मिल्टन देवर्मा, दीवा जमातिया, सदाना रियांग, मनिक देवर्मा, दुलाल देवर्मा, नीलिमा देवर्मा, रोमी मुराद सिंह, प्रिया देवर्मा, आयशा देवर्मा, जशोदा रियांग, कुणाल देवर्मा, खुखान देवर्मा, अधिराज देवर्मा, धर्मचरण जमातिया, अमर देवर्मा, सुमित देवर्मा, बहुत सारे सिंगर्स हैं. ओके, तो ये पूरी सॉन्ग जो है लिटरली मतलब त्रिपुरा की यूनिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है. और सभी अलग अलग ट्राइब्स में देख सकता था कि सभी अलग अलग ट्राइब्स के जो है सिंगर्स थे और सब ने एक साथ गाया, तो वो दिखाता है कि भाई मतलब वो जो सभी टाइप्स के बीच की जो यूनिटी है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे. और बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी इसमें जो है दिखाई गई थी जो बहुत कमाल की थी. और सही में मतलब एक वो जो था ना जो है पहाड़ों के बीच में जो ऐसे कुछ जो है मतलब मुंह टाइप का कुछ जो है बनाया हुआ था, और एक पता नहीं नदी थी तो नदी के साथ में दीवारों पर था बना हुआ, वो बहुत सही था यार. और मतलब और भी बहुत सारी जो है इसमें जो चीज़ें जो दिखाई हुई थी वो था. और जो असली कल्चर है गांव का जो कल्चर है त्रिपुरा के वो इसमें जो है दिखाया हुआ था, जो कि बहुत सही बात थी. मतलब वो मतलब त्रिपुरा के लोगों के जो रूट्स हैं ठीक है वो उसमें जो अच्छे से जो मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ था कि उनके रूट्स क्या हैं, कहाँ से वो शुरुआत होती है ठीक है. क्योंकि हर सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो शहर तो होते नहीं है, वो गांव होते हैं. क्योंकि हर सिविलाइजेशन जो है या हर कल्चर जो है वो गांव से शुरू होता है. शहरों में तो जाके लोग अक्सर भूल जाते हैं अपना कल्चर, पर रियल कल्चर आपको किसी भी जगह देखना है तो उनके गांव में जाओ, वहां मालूम पड़ेगा कि उनका रियल कल्चर क्या है. तो बहुत सही वीडियो थी बहुत, और गाना तो मुझे बहुत पसंद आया लिटरली. गाना की म्यूज़िक बहुत सही था और मतलब इतनी लंबी वीडियो थी पर सही में बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गया. और अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.